हेलो एवरीवन। तो क्या हाल है आप लोगों के? तो बेटा पिछली क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था क्या पार्टनरशिप की, पार्टनरशिप क्या है, क्या इसके फीचर हैं। हमने कुछ ऐसा ऐसा हमने डिस्कशन करा था, मेरिट्स पढ़ी थी, लिमिटेशंस पढ़े थे, और हमने डिसाइड करा था कि हम भैया पार्टनरशिप करेंगे या नहीं करेंगे। तो आज मैं आपको थोड़ा सा उसी में एक एक्सटेंडेड पार्ट पढ़ाने जा रहा हूँ। आज मैं आपको पढ़ाने के लिए जा रहा हूँ बेटा क्या, मैं आपको पढ़ाने के लिए जा रहा हूँ क्या, यही तो सरप्राइज है। पहले बता दूंगा कि समझोगे कैसे। पहले सारी चीजें भूल के, घर के सारे रिश्ते नाते तोड़ के वापिस आ जाओ क्लास में। तो याद होगा आप लोगों को ये पार्टनरशिप की डेफिनेशन, फीचर्स ऑफ पार्टनरशिप है ना। जनरल पढ़ा था, स्टैचुरी पढ़ा था, टाइप्स ऑफ पार्ट, ओ ये पढ़ा था कि हमने, ये नहीं पढ़ा बेटा। तो आज की क्लास में ऐसा करते हैं, इसी को पढ़ लेते हैं सर टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप। और सर एक चीज और पढ़ लेंगे हम, क्या टाइप्स ऑफ पार्टनर्स। तो देखते हैं जरा सर, सबसे पहले हम पढ़ने के लिए जा रहे हैं क्या आपका टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप की। भैया पार्टनरशिप के भी टाइप्स होते क्या जी? हाँ, पहले हम पढ़ रहे थे फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, पहले हम पढ़ रहे थे टाइप्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। उसके अंदर हमने पहले पढ़ा सोल प्रोप्राइटरशिप, फिर हमने पढ़ा क्या आपका पार्टनरशिप। अब हम पार्टनरशिप की भी टाइप पढ़ रहे हैं। सर इतना पढ़ना पड़ेगा क्या? हाँ जी बिल्कुल पढ़ना पड़ेगा, कॉमर्स लिया आप लोगों ने, ठीक है। देखते हैं जरा सर, सबसे पहला बोलता है क्या जनरल एंड लिमिटेड पार्टनरशिप, देखना जरा क्या बोलता है। कहता है सर जनरल पार्टनरशिप, जनरल पार्टनरशिप इन जनरल पार्टनरशिप द लाइबिलिटी ऑफ ऑल द पार्टनर्स इज अनलिमिटेड, लाइबिलिटी ऑफ ऑल दी पार्टनर्स इज अनलिमिटेड एंड इन लिमिटेड पार्टनरशिप देयर आर टू टाइप्स ऑफ पार्टनर, दैट इज वन इज जनरल पार्टनर एंड द अनदर वन इज स्पेशल पार्टनर। सर क्या कहना चाह रहे हैं सर? हमको थोड़ा सिंपल शब्दों में बताओ। देखो मैंने क्या बोला आपको, ये मैंने लास्ट क्लास में पढ़ लिया था, तो मैं यहाँ पे क्यों आ रहा हूँ, मैं यहाँ पे आऊंगा ना सर। मैं आपको जो पढ़ाने के लिए जा रहा हूँ, बड़ा अच्छा सा टॉपिक है सर। पहले मैं अपना बैकग्राउंड चेंज करता हूँ ना, मैं मूवमेंट चलिए मैं आपको कराने के लिए जा रहा हूं क्या। देखो टाइप्स ऑफ पार्ट, ठीक है। तो बेटा इसके अंदर जो हम पढ़ने वाले हैं, तीन तरीके के पढ़ेंगे हम बेसिकली। पहला है हमारे पास क्या जनरल पार्टनरशिप एंड लिमिटेड। सर समझना जरा ये क्या जनरल लिमिटेड का मतलब क्या। सर लास्ट क्लास अगर आपको याद हो, तो लास्ट क्लास में हमने एक पॉइंट पढ़ा था, अगर आप लोगों को याद हो, लिमिटेड लायबिलिटी याद है आप लोगों को? एक पॉइंट पढ़ा था हमने क्या, एक पॉइंट पढ़ा था हमने क्या, लिमिटेड लायबिलिटी याद है या नहीं है? सर कहाँ गया, सर कहाँ गया? अच्छा यहाँ पे नहीं लिखा था, या मैंने यहाँ नहीं लिखा था बेटे? कोई बात नहीं, यहाँ नहीं लिखा तो क्या हुआ, आपके नोट्स में तो लिखा हुआ है ना ऑलरेडी, आपके नोट्स में तो लिखा हुआ है ना। अगर आप लोगों को याद हो बेटा, तो हमने पढ़ा था क्या जनरल फीचर के अंदर हमने एक चीज देखी थी क्या, अनलिमिटेड लाइबिलिटी। अनलिमिटेड लाइबिलिटी कहने का मतलब क्या था सर? जितना मैंने अमाउंट इन्वेस्ट करा, मेरी लाइबिलिटी उससे ज्यादा की है। कहने का मतलब क्या, फॉर एग्जाम्पल जिस दिन मैं बिजनेस स्टार्ट कर रहा था उस दिन मैंने लगाया कितना, 1 लाख रुपया। सर कल को धंधा बंद हो गया, हम डूब गए, ठीक है, रोड पे आ गए, तो भैया बिजनेस की एसेट बेची जाएंगी, उस एसेट से लाइबिलिटीज पे की जाएंगी। और अगर फिर भी आप क्रेडिटर को या वेंडर्स को पैसा नहीं दे पाए, तो इन दैट केस आपकी जो घर की जो एसेट्स होंगी, जो आपकी जो पर्सनल एसेट्स होंगी, वो लायबल होंगी उन लाइबिलिटीज को पे करने के लिए। इसका मतलब क्या था सर? अनलिमिटेड लाइबिलिटी, अगर आप लोगों को याद हो तो। सर अभी जो हम पढ़ने के लिए जा रहे हैं, एक मिनट ये थोड़ा सा नॉर्मल हो जाऊं, बेचारा हैंग हो गया ना जाने क्यों, ठीक है, इसकी शक्तियों को क्या हो गया, ये हैंग पता नहीं क्यों हो गया, मेरे को समझ नहीं आ रहा। ओहो क्लिक करते ही ठीक हो गया, नाइस। आगे चलते हैं सर, अब देखना जरा जनरल पार्टनरशिप का मतलब क्या है। जनरल पार्टनरशिप एक ऐसी पार्टनरशिप है जिसके अंदर सारे पार्टनर की लाइबिलिटी क्या आपकी अनलिमिटेड। और सर लिमिटेड पार्टनरशिप का मतलब क्या है? लिमिटेड पार्टनरशिप में जनरली दो तरीके के पार्टनर होंगे, जनरली यहाँ पर दो तरीके के पार्टनर होंगे लिमिटेड में। सर कौन कौन सा? एक होगा सर जनरल पार्टनर, एक होगा जनरल पार्टनर, और एक होगा लिमिटेड पार्टनर। सर व्हाट इज जनरल पार्टनर, व्हाट इज लिमिटेड पार्टनर? ये पार्टनर वो पार्टनर है जिसकी लाइबिलिटी क्या होगी सर? अनलिमिटेड। और सर ये वो पार्टनर होगा जिसकी लाइबिलिटी क्या होगी? लिमिटेड। सर समझ नहीं आ रहा लिमिटेड का मतलब क्या है। भाई कहने का मतलब क्या है, अगर मैंने धंधे में, जब धंधा स्टार्ट कर रहा था, मैंने 1 लाख रुपया लगाया, तो भैया कल को धंधा बंद हो चाहे कुछ हो, मेरी मैक्सिमम लाइबिलिटी कितनी की? सिर्फ 1 लाख रुपए की। क्यों? क्योंकि मैंने अमाउंट कितना इन्वेस्ट करा, 1 लाख। कल को लॉस ज्यादा भी हो जाए, तब भी मैं सिर्फ कितना दूंगा सर? 1 लाख रुपए दूंगा। सर बाकी कौन देगा? बाकी ये देगा ना मेरा पड़ोसी, तभी तो एक बंदा जनरल रखा हुआ है। एक बंदे का जनरल होना क्या सर? मैंडेटरी है। ऐसी कोई भी पार्टनरशिप फिलहाल के लिए नहीं है, एक्सेप्ट एलएलपी, एलएलपी पे बाद में आएंगे हम, ठीक है, कि जहां पर लाइबिलिटी अनलिमिटेड ना हो। एक पार्टनर की लाइबिलिटी हमेशा क्या होगी सर? अनलिमिटेड होगी। तो ये क्या हो गया आपका
जनरल एंड लिमिटेड पार्टनरशिप, समझ आता क्या? जनरल पार्टनरशिप वो पार्टनरशिप है सर जहां पर सबकी लाइबिलिटी क्या अनलिमिटेड, और सर लिमिटेड पार्टनरशिप का मतलब क्या है, जहां पर एक बंदे की एक से ज्यादा बंदे की जो लाइबिलिटी है वो कहते हैं लिमिटेड रहती है, तो उसको हम क्या बोलते हैं लिमिटेड पार्टनरशिप। बोलो सच्चे दरबार क्या सर। आगे चलते हैं, नेक्स्ट वन इज पार्टनरशिप एट विल, पार्टनरशिप एट विल 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 एज पर माई विल एंड पर्टिकुलर पार्टनरशिप। सर पार्टनरशिप एट विल का मतलब क्या है? सर पार्टनरशिप शुरू कर दी, सोचा नहीं कब बंद करेंगे कैसे बंद करेंगे, बस चला दिया। ए उदय चल अग्नि स्टार्ट करते हैं, क्या हमने ये सोचा कि इतने साल बाद बंद कर देंगे? क्या हमारा कोई पर्टिकुलर टारगेट है? नहीं, हम चाहते हैं दुनिया को ज्ञान बांटे हैं। क्या पार्टनरशिप एट विल है, पर्टिकुलर पार्टनरशिप। ए उदय एक टारगेट रखते हैं, जिस दिन हमारे 10 करोड़ सब्सक्राइबर हो गए ना उस दिन पढ़ाना छोड़ देंगे। क्या पर्टिकुलर पार्टनरशिप, उस दिन हम अपनी पार्टनरशिप बंद कर देंगे। क्या पर्टिकुलर पार्टनरशिप, यानी कि अगर आपका ऑलरेडी एक स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट है जिसके साथ साथ आप अपनी पार्टनरशिप को खत्म कर दोगे तो उसको मैं क्या बोलता हूँ, आपका पर्टिकुलर पार्टनरशिप। और अगर कुछ भी ऐसा डिसाइडेड नहीं है और ये डिसाइडेड है कि भैया जिंदगी भर आपका धंधा चलता रहेगा तो उसको मैं क्या बोलता हूँ, आपका पार्टनरशिप एट विल इच्छा अनुसार। यस सर, जब मन करेगा तब बंद कर सकता हूँ, हाउएवर एक नोटिस देना पड़ता है आपस में एक दूसरे पार्टनर को, और अब मैं हम बंद कर सकते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं सर। अब आता है लीगल और इलीगल। वैसे ऐसा कंसेप्ट होता नहीं है बट आपकी बुक में दिया गया तो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। लीगल पार्टनरशिप का मतलब क्या कहता है सर, वो पार्टनरशिप जो द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अकॉर्डिंग काम करती है उसको हम क्या बोलते हैं लीगल पार्टनरशिप, और जिसके अगेंस्ट काम करती है उसको हम क्या बोलते हैं इलीगल पार्टनरशिप। या सिंपल शब्दों में बोल लो कि एक पार्टनरशिप इलीगल कब कब बनता है। पहला सर, द पर्पस ऑफ एस्टैब्लिशमेंट ऑफ पार्टनरशिप इज इलीगल, पर्पस इलीगल है। किडनैप करेंगे ओमनी वैन खरीद के, क्या है पर्पस, इलीगल। अगेंस्ट पब्लिक पॉलिसी, आगे इफ द नंबर ऑफ पार्टनर रिड्यूसेस टू वन और एक्सीज द मैक्सिमम लिमिट, मैक्सिमम लिमिट कितनी है 50-51 पार्टनर हो गए भैया, इलीगल पार्टनरशिप है। पार्टनर एक हो गया, क्या इलीगल पार्टनरशिप है सर। एनिमी कंट्री का कोई पार्टनर है भाई, फॉर एग्जाम्पल इंडिया और पाकिस्तान के बीच में युद्ध हो गया तो उस टाइम पे आपको पता है पाकिस्तान कहलाता हमारा एनिमी कंट्री। जब युद्ध के टाइम पे हम इसको बोलेंगे कि आपका एनिमी कंट्री, और आपकी पार्टनरशिप पहले से किसी पाकिस्तानी के साथ चल रही थी बट आज के दिन युद्ध हुआ तो युद्ध होते के साथ वो बंदा क्या हो गया हमारा एनिमी कंट्री का बंदा, बंदा क्या हो गया एनिमी कंट्री का, तो भैया उस टाइम पे आपकी पार्टनरशिप क्या जाएगी सर, इलीगल हो जाएगी। बोलो भारत माता की, ये सुनो समझ आता है क्या, ये समझ आ रहा है नहीं आ रहा है सर, आ रहा है तो भैया पार्टनरशिप की टाइप्स तो खत्म होगी। अब जो हमने आज पढ़ना है, हमने पढ़ना है टाइप्स ऑफ पार्टनर, हमने क्या पढ़ना टाइप्स ऑफ पार्टनर्स। बेटे टाइप्स ऑफ पार्टनर्स की अगर मैं बात करूँ तो देर आर टू टाइप्स ऑफ पार्टनर्स जनरली, पहला होता फुल फ्लेज पार्टनर और दूसरा होता है नॉट फुल फ्लेज। फुल फ्लेज का मतलब क्या है भैया, वो बंदा जो आपके धंधे में पैसा इन्वेस्ट करेगा, प्रॉफिट का हिस्सा लेगा, मैनेजमेंट में हिस्सा लेगा, उसको मैं कहता हूँ फुल फ्लेज, सब कुछ करेगा वो क्या है फुल फ्लेज है। इसकी कैटेगरीज क्या है, पहला एक्टिव पार्टनर, इसका दूसरा नाम है जनरल पार्टनर, इसका तीसरा नाम है क्या आपका ऑर्डिनरी पार्टनर। सर ये पार्टनर वो कौन है भैया, ये नॉर्मल पार्टनर है, जैसे कि मैं और उदय सर है तो हम दोनों क्या है एक्टिव पार्टनर है, जनरल पार्टनर है, ऑर्डिनरी पार्टनर है। मतलब हम क्या करते हैं एडमिनिस्ट्रेशन में एक्टिव पार्टिसिपेशन लेते हैं, कैसे वीडियोज बनानी है, कैसे बच्चों के साथ शेयर करना है, क्या स्ट्रैटेजीज होगी, हम धंधे में पैसा लगाते हैं, जो भी प्रॉफिट और लॉस होता है वापस में बांटते हैं, हमारी लाइबिलिटीज भी क्या अनलिमिटेड, यानी कि कल को धंधा बंद होता है तो हमको अपनी घर के एसेट बेच के पूरे क्रेडिटर को पैसा देना पड़ेगा, वो अलग बात है, हमारा क्रेडिट जीरो है। ठीक है, आगे दिस पार्टनर एक्ट एज एजेंट ऑफ द फर्म, ये लास्ट क्लास में आपको बताया था। क्या सर पार्टनरशिप कैन बी कैरीड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल, यानी कि कहने का मतलब क्या, मैं किसी पार्टनर के बिहाफ पे काम कर सकता हूँ और वो मेरी बिहाफ पे काम कर सकता है। जब मैं उसके बिहाफ पे काम कर रहा हूँ मैं उसका एजेंट हूँ, और जब वो मेरी बिहाफ पे काम कर रहा था वो क्या मेरा एजेंट है। हाँ या ना, खत्म। सर व्हाट इज स्लीपिंग पार्टनर, भैया ये वो व्यक्ति है जो एक्टिव पार्टिसिपेशन नहीं रखता है, खत्म। पैसा लगाएगा, प्रॉफिट और लॉस लेगा, अनलिमिटेड लाइबिलिटी रहेगी, बस ये मैनेजमेंट में काम नहीं करेगा, कहता है भाई मेरे से पैसा ले लो जितना लेना है, मैं जॉब वाला व्यक्ति हूँ, मैं तुम्हारे काम में नहीं कर सकता काम, पैसा ले लो मेरे से, काम तुम करो। ठीक है, पैसा दे देना, प्रॉफिट होगा प्रॉफिट दे देना, लॉस होगा लॉस बता देना, कितना कल को धंधा डूबेगा बता देना, पैसे दे दूंगा, बट मैं काम नहीं कर सकता। मैं कौन हूँ स्लीपिंग पार्टनर, मैं कौन हूँ डोरमेंट पार्टनर, समझिए, वो बंदा जो पैसा लगा के सो गया, दैट इज डोरमेंट पार्टनर या स्लीपिंग पार्टनर। यस और नो, अरे पागल है क्या, पागल नहीं है होशियार है, वो कह रहा सारे शब्द तुम लोग, मैं खाली पैसा लगाऊंगा, समझिए। अगला सीक्रेट पार्टनर, सर वो सीक्रेट पार्टनर वो व्यक्ति सर जो पैसा लगाता है, प्रॉफिट और शेयर लॉस बियर करता है, अनलिमिटेड लायबिलिटी भी होती है,
बट दुनिया उसको नहीं जानती, आप उसको नहीं जानते कि उसका पार्टनर वो भी है, वो कौन है सीक्रेट। जनता की नजरों में किसी को नहीं पता कि वो मेरा पार्टनर है तो वो क्या है मेरा सीक्रेट पार्टनर। जैसे कि आपको आपको अग्रिक में दो ही पार्टनर दिखते हैं, उदय सर और उमेश सर, सर एक जना और है, आप लोग नहीं जानते उसको, सर बता नहीं बताऊंगा क्या है वो सीक्रेट है, क्या है सर सीक्रेट पार्टनर, आप लोग नहीं जानते हो, बट ही इन्वेस्ट मनी, ठीक है वो शेयर लेता है प्रॉफिट लॉस में, वो मैनेजमेंट में पार्ट लेता है, बट आप नहीं जानते और हम आपको जनवाएंगे भी नहीं कि वो कौन है, ये बहुत बड़ा राज है और उसको राज कहते सर उसका नाम राज या क्या नहीं। आगे चलते सर, सर अब आता नॉन फूड फ्रेश पार्टनर, यानी कि सर ये कौन लोग हैं, ये कौन लोग हैं सर, ये लोग जनरली पैसा भी इन्वेस्ट नहीं करते, ये जनरली इनको प्रॉफिट और लॉस भी नहीं मिलता जनरली, ठीक है मिल सकता है वो अलग बात है, पर जनरली नहीं मिलता है, ठीक है सर ये लोग, सर इनको प्रॉफिट लॉस भी नहीं मिल रहा, सर ये लोग पैसा भी नहीं लगा रहे, पार्टनर क्यों है ये भाई, कुछ मोटिव है, स्पेशल मोटिव इनका हो सकता है मेरा हो सकता है, मैं कौन जो मैं अपनी पार्टनरशिप में इनको ऐड कर रहा हूँ। सर देखते हैं कौन कौन सा, पहला कहते नॉमिनल पार्टनर, सर कौन नहीं देखते हैं जरा, कहते सर दोस्त पार्टनर हु नाइदर इन्वेस्ट मनी नॉर हैव अ शेयर ऑफ प्रॉफिट इन लॉस एंड आल्सो हैव नो रोल इन एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द फंड आर कॉल्ड नॉमिनल पार्टनर। कितना पैसा लगाएगा, ना प्रॉफिट और लॉस कमाएगा, ना एडमिनिस्ट्रेशन में पार्ट लेगा, पार्टनर क्यों है, है भाई क्यों है सर, हम उसकी गुडविल का फायदा लेना चाहते हैं, कहने का मतलब क्या समझो सर, समझो सर मैं आपको बताऊं ऐसा होता है कि आपके फादर, आपके फादर का पूछता है नहीं काम चल रहा है कोई बिजनेस है ना, आपको एक फॉर्म खोल के देते बेटे तू चलाए दुकान, समझ गए, आपको बोलेंगे कि तू चलाए दुकान, समझ गए, पर दुनिया को क्या बोलेंगे ये दुकान मेरी है, क्यों, क्योंकि उनका गुडविल बना हुआ मार्केट, उनका क्या बना हुआ गुडविल बना हुआ, आपने देखा है ऐसे कई जगह पे आपने देखा होगा कई लोग क्या करते हैं कि उनकी फर्म का नाम कुछ होता है और फिर नीचे ब्रैकेट में लिखा रहता है वेंचर ऑफ एक्स वाई जेड लिमिटेड या वेंचर ऑफ एबीसी एसोसिएटेड ऐसे कुछ करके लिखा रहता है, क्यों लिखा रहता है सर, हम क्या चाहते हैं उनके गुडविल का फायदा लेना चाहते हैं, मतलब फॉर एग्जाम्पल वही वाली बात है जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मेरे फादर का बिजनेस है, ठीक है उनका बिजनेस ऑलरेडी फेमस है, मैं भी अपना काम खोलना चाहता हूँ, ठीक है तो मैं क्या करूंगा अपने फादर को अपने बिजनेस में क्या बना दूंगा जबरदस्ती पार्टनर, ना मैं उनको पैसा दूंगा, ना मैं उनसे पैसा लूंगा, ना मैं उनको पार्टिसिपेशन नहीं दूंगा, बस मैं उनको क्या बनूंगा दुनिया को बोलना कि आप हमारे पार्टनर, समझ गए, क्यों, क्योंकि मैं चाहता हूं कि उनका जो क्लाइंट है वो किसका क्लाइंट बन जाए, मेरा बन जाए, उनकी गुडविल का फायदा कौन उठाना चाहता है, मैं अपनी उनकी गुडविल का फायदा उठाता है, ध्यान रखें समझ गए, तो ये क्या नॉमिनेट पार्टनर। आगे पार्टनर्स बाय स्टॉक एंड और होल्डिंग आउट, सर ये कौन है कि वो पार्टनर है जो पार्टनर नहीं है, ना ही पैसा लगाएगा, ना ही प्रॉफिट लेगा, ना ही लॉस लेगा, बट ये फिर भी पार्टनर होगा, क्यों, क्योंकि इसकी हरकतें ऐसी होंगी, मतलब या तो अपने वर्ड से या अपने कंडक्ट से वो लोगों को दिखाएगा कि मैं इसका पार्टनर हूँ। फॉर एग्जाम्पल आपने देखा होगा, मतलब मेरे साथ तो ऐसा है जैसे मैं कई दुकानों पे जाता हूँ, मेरे रिलेटिव की है ना, कोई दोस्त है, हाँ शर्मा जी यहाँ कैसे, बोलते यार अपनी ही दुकान, अभी कुछ सामान वामान लेना तो बता दूँ, मैं क्या उसका पार्टनर हूँ क्या उस दुकान का, नहीं बट मैंने क्या बोल दिया अपनी ही दुकान है, मतलब क्या है मैं पार्टनर। या फॉर एग्जाम्पल हमारे मतलब रिश्तेदारी में बहुत सारे कपड़ों की दुकान है लोगों की, है ना, मतलब मामा वगैरह में बहुत सारे कपड़ों की दुकान, तो मैं क्या करता हूँ कई बार जब मैं फ्री होता हूँ काम सीखने के लिए ऐसे चला जाता हूँ, संडे संडे जब कस्टमर ज्यादा होता है उनसे डील नहीं हो रहा तो मैं जाता हूँ, मैं वहां पर उनको चीजें दिखा देता हूँ या बिलिंग होती है बिलिंग कर देता हूँ, तो लोगों को लगता है इज द ऑनर ऑफ द बिजनेस, बल्कि मैं मालिक नहीं हूँ बट मेरी हरकत है जो मैं वहां पर बिलिंग कर रहा हूँ वो हरकतों से उस कंडक्ट से प्रतीत हो रहा हूँ उन लोगों की, क्या ये क्या ऑनर, समझ गए, तो ऐसा क्या होता है इसको हम क्या बोलते हैं पार्टनर बाय स्टॉपर और होल्डिंग आउट, ये सुन लो वो पार्टनर नहीं है पर फिर भी ऐसा प्रतीत हो रहा है हमको कि वो पार्टनर, दूर से देखा तो पार्टनर नजर आ रहा, पास जाकर देखा तो इंप्लॉय था, ठीक है आगे चलते हैं। लिमिटेड पार्टनर, अभी आपको बता दिया मैंने लिमिटेड पार्टनर, जिसकी लायबिलिटी लिमिटेड रहेगी अप टू इज इन्वेस्टमेंट इज टर्म्ड एज अ लिमिटेड पार्टनर। माइनर पार्टनर सर, सर ये तो आप उल्टा बोल रहे हो सर, जब आपने पहले दिन पढ़ाया तो आपने बोला था माइनर तो पार्टनर ही नहीं होता, नहीं होता, देखो सर एनी पर्सन लैकिंग द कैपेसिटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कैन नॉट बिकम पार्टनर ऑन दिस बेसिस ऑफ माइनर कैन नॉट बी अ पार्टनर। एक प्रोविजन है इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 में क्या कि माइनर को आप पार्टनर बना सकते हो बट सिर्फ प्रॉफिट में, ही विल नॉट बी लायबल फॉर द लॉसेस, प्रॉफिट में हिस्सा मांगेगा लॉस होगा तो नहीं देगा, आप उससे क्लेम नहीं कर पाओगे, तो माइनर को आप ऐड कर सकते हो बट ओनली फॉर प्रॉफिट, यस और नो। अगली क्लास में माइनर की डिटेल में डिस्कशन करेंगे, ठीक है पूरा एक सेपरेट टॉपिक पढ़ा हुआ इसके ऊपर, ठीक है बेटा आगे चलते हैं। लास्ट वन पार्टनरशिप प्रॉफिट ओनली, सर ये देखो माइनर के जैसे ही बंदा है, माइनर के जैसे ही बंदा है, ये कहता है सुनो
मैं पैसा नहीं लगाऊंगा, मैं एडमिनिस्ट्रेशन में भी पार्ट दे लूंगा, पर मेरे को प्रॉफिट चाहिए। क्यों चाहिए बे? अरे पैसा नहीं लगा रहा तू, तू हमारे इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहा, ठीक है, तू एडमिनिस्ट्रेशन में पार्ट नहीं ले रहा, फिर भी हम तुझे पार्टनर बना दे और वो प्रॉफिट दे तुझे, हम लॉस भी नहीं देगा, नहीं नहीं दूंगा। क्यों भाई? मेरा नाम बहुत है, मैं जिस धंधे में बैठ जाता हूँ वो धंधा अपने आप ही चल जाता है, मेरा नाम बहुत है, मैं अंबानी हूँ। अब आप सोचो ना, कल को आके भाई अंबानी अपनी मीटिंग में आके ऐसे बोलते कि अग्निशाला मेरा है, तो मेरे को ऐसे मेहनत करने की जरूरत नहीं है, रातों रात अपने आप ही चल जाएगा, समझ रहे हो? खानी कौन है वो? पार्टनरशिप प्रॉफिट सॉल्व कहता, मेरा नाम बहुत है तुम्हारा, ये समझ गए? नाम का पैसा मांग रहा हूँ मैं, ये जो प्रॉफिट मांग रहा हूँ नाम के लिए मांग रहा हूँ मैं, यस और नो? बोले बेटे क्लियर है कि नहीं? तो हमारे टाइप्स ऑफ पार्टनर्स एंड टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप क्या हो गया बेटा यहाँ पर? खत्म हो गया, यस और नो? चलिए सर, तो मिलते हैं आपसे अगली क्लास में। अगली क्लास में हम डिस्कशन करेंगे माइनर के बारे में, डिस्कशन करेंगे भैया जो आपका पार्टनरशिप है उसके अंदर जो कॉन्ट्रैक्ट होता है उसको क्या बोलते हैं, पढ़ाया था मैंने लास्ट क्लास में पार्टनरशिप डेट, तो उसके बारे में चर्चा करेंगे, ठीक है? तो मिलते हैं आपसे अगली क्लास में, तब तक के लिए टाटा सी यू, बाय बाय, बोलो भारत माता की।